और चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान गौरव यात्रा की। तो बीकानेर संभाग में गौरव यात्रा का आज दूसरा दिन है। सीएम राजे कुछ देर में बीकानेर से रवाना होंगी और अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर में आज सीएम राजे जनसभाओं को संबोधित करेंगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, फिलहाल दूसरे दिन की यात्रा को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दूसरे दिन की यात्रा में थोड़ा डिले हुआ है। मुख्यमंत्री को 10:30 बजे निकलना था, अभी तक नहीं निकली हैं। अनूपगढ़ में पहली आम सभा करेंगी। इस वक्त मैं हेलीपैड पर हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल हमारे साथ हैं और अब ये कहिएगा वो दोहरी भूमिका में हैं। सरकार के साथ साथ संगठन को भी वो राजस्थान में चुनावों के मद्देनजर जो कैंपेन कमेटी बनी है उसमें सह संयोजक बनाया गया है। तो हम उनसे बात कर लेते हैं, इस संभाग की समझ है उनको, सियासी बात भी हम करेंगे, कुछ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। मेघवाल साहब, भीड़ अच्छी आई इसमें कतई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ हेलीकॉप्टर देखने आई, कुछ कह रहे हैं टिकट वाले लेकर आए, तो क्या ये भीड़ वाकई वोट वाली थी? देखिए, बीकानेर में हेलीकॉप्टर पहले भी आए हैं और नेता भी पहले भी आए हैं, कोई पहली बार हेलीकॉप्टर बीकानेर में आया ऐसी बात नहीं है। शहर में पहली बार उतरा, जिस तरह से भीड़ आई और जिस तरह से भीड़ सड़कों पर थी, नागरिक, गणमान्य नागरिक, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, और जिस तरह से जनता छतों पे खड़ी थी, अंदाज ही नहीं लग रहा था कि कितनी जनता है। ये तो एक अद्भुत नजारा था, अभूतपूर्व ये स्वागत था वसुंधरा जी का। राजे का क्रेज है मतलब? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक और संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी, पिछली बार मोदी जी की आंधी थी, उसके बावजूद बीकानेर संभाग में आप क्लीन स्वीप नहीं कर पाए थे और बीकानेर में भी कांग्रेस की 2 सीटें निकली थी, तो ऐसे में इस बार चुनौती कितनी मुश्किल है? कुछ पानी के मुद्दे हैं, कुछ सिंचाई पानी का मामला है, अनूपगढ़ में भी एक आंदोलन हुआ, तो ये आपको लगता है इस संभाग में किसानों के मुद्दे कुछ मुखर रहने वाले हैं? देखिए, किसानों के जो मुद्दे आप मीडिया में बता रहे हैं या हमारी कांग्रेस पार्टी बता रही है, उन सब की हवा इसलिए निकल गई कि जो स्वामीनाथन आयोग में जो हमें दरें तय की है, मूल्य बढ़ाए किसानों के फसल के, वो किसान सहमत है। मैं तो अभी डूंगरगढ़ में सांसद उप यात्रा लेके गया, मुझे भी कहा गया कि आप एकदम खाटी किसान बेल्ट में जा रहे हो, जहाँ पे बरानी भूमि है, लोग बरसात के पानी पे निर्भर रहते हैं। मैंने किसानों से रूबरू किया, लोग मोदी जी की कार्यशैली से और जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सीधे खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये हो रहा है। अब आपका एक दूसरा दायित्व है, आप संगठनात्मक चूंकि सह संयोजक बनाया गया है पूरा, बहुत सारी चीजें हुई इसके अंदर, लेकिन अभी भी इसमें ये लग रहा है कि कास्ट इक्वेशन भी बैठाया है, कुछ चीजें और भी हुई है, तो आपका काम क्या रहेगा, कैसे तालमेल के साथ ये होगा? देखिए, आप स्वयं जानते हो कि चुनाव प्रबंधन समिति चुनाव के समय महत्वपूर्ण होती है, इसमें कोई शक नहीं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, और राजस्थान विधानसभा के चुनाव निकट हैं और लोकसभा के चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव प्रबंधन समिति का एक रोल बढ़ भी जाता है, ये टेक्निकल नेचर का काम होता है, और जो दायित्व है राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे सौंपा है, मैं पूरी निष्ठा और लगन से निभाने का प्रयास करूँगा। और एक चीज़ आपको बताने का कोशिश करूँगा कि मेरा काम ईमानदारी से होगा और निष्पक्षता से होगा। ईमानदारी और निष्पक्षता से होगा, निश्चित तौर पर अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। क्या लग रहा है, कांग्रेस जिस तरह की रणनीति बना रही है, युवा को टिकट देने की बात सोच रहे हैं, कह रहे हैं 2 बार हारे हो को हम नहीं देंगे, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आउट निश्चित तौर पर आप लोगों ने भी सोचा होगा, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो एंटोनी कमेटी बनाई थी उसको वो कभी कभी खुद ही लागू नहीं करते हैं जी, और इस बार वो लागू करेंगे मुझे संदेह है। और हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 8 और 9 को, अर्थात कल ही है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विस्तृत रूप से चुनावी रणनीति पे ही चर्चा होने वाली भी है, एक एजेंडा भी है।